الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الترمذي محترم بزرگوں بھائیوں دوستو अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब की रहबरी और हिदायत के लिए पैगंबरों को भेजा है और हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को फितनों से डराया है कि मुस्तकबिल में आने वाले ज़माने में इस तरीके से फितने आ सकते हैं और पहले से उस उम्मत को उस फितने के मुकाबले के लिए और उस फितने से बचाव के लिए तालीमात दे रखी है। आज से 1450 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को फितनों से डराया है और फितनों से बचने की ताकीद की है और फितनों का मुकाबला करने के लिए तुम्हें क्या करना है, वो सारी तालीमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बादिरू बिल आमाल, आमाल करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो, एक दूसरे से सबकत करो, ये बात कही गई है। और फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज करीब मेरे बाद फितने वजूद में आएंगे और फितने ऐसे वजूद में आएंगे कि उन फितनों की बुनियाद पर कोई बंदा अगर सुबह को ईमान वाला है तो शाम तक वो अपना ईमान छोड़ बैठेगा और अगर शाम को ईमान है उसके पास तो सुबह तक उसका ईमान रुखसत हो जाएगा। ईमान यहाँ तक लिखा है हदीस शरीफ में कि बाज़े मरतबा ऐसा मौका आएगा तो वो बंदा अपने दीन का सौदा भी कर देगा दुनियावी माल और जायदाद के खातिर। ये हालात पहले से नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को बता दिए हैं और ऐसे हालात आते हैं कभी गलत सोहबत की बुनियाद पर। अगर किसी की किसी के साथ ऐसी गलत सोहबत बन चुकी है, दोस्ती बन चुकी है और उस दोस्त की गलत सोहबत की बुनियाद पर उसकी ज़बान से कभी ऐसी बात निकल जाएगी, कभी ऐसे काम हो जाएंगे जिसकी बुनियाद पर वो अपने ईमान को छोड़ बैठेगा। यहूदी, नसारा, ईसाई, गैर मुस्लिम और तरह तरह के जो और मजहब के मानने वाले हैं, इनकी सोहबत में रह रह कर बंदे से वो आमाल होने शुरू हो जाएंगे कि उसकी गैर इख्तियारी में और उसकी अनजाने में वो कलिमात जबान से कहेगा कि जिसकी बुनियाद पर वो ईमान से निकल जाएगा। ऐसे ऐसे फितने वजूद में आते रहेंगे, इसलिए ताकीद के साथ कहा गया कुरान करीम में भी और हदीस में भी कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो।
तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे ताल्लुकात अल्लाह वालों के साथ, अल्लाह के दीन को जानने वालों के साथ, अल्लाह के दीन को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा है, ऐसे लोगों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात होने चाहिए जिससे तुम्हारा दीन में ईमान महफूज रह सकेगा। अगर तुम्हारी सोहबत ऐसे लोगों के साथ बन चुकी है तो ख़तरे की घंटी है कि तुम कभी भी अपने ईमान को छोड़ सकते हो। और ऐसे वाक़ियात मैदान महशर में देखने को मिलेंगे कि जिन्होंने अपने दोस्त की बातों में आकर अपने ईमान को छोड़ दिया था, और वो क़यामत के दिन कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश मैं फुलाने को अपना दोस्त न बनाता, उसकी दोस्ती की बुनियाद पर मेरा ईमान मेरे हाथ से निकल गया और मैं बेईमान मरा, ईमान की नेमत मेरे पास से छीन ली गई। और ऐसे वाक़ियात सूरह साफ़ात में भी हैं कि जहाँ दो बंदों का तज़किरा करके अल्लाह पाक ने ये बात बताई है कि जो एक बंदा ईमान लेकर जन्नत में चला जाएगा और दूसरा बंदा दोज़ख में होगा, और वो याद करेगा कि दुनियावी ज़िंदगी में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसने मुझे इस तरीके से बेईमानी का रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैंने अपने ईमान को महफूज रख लिया। ऐसी बहसों मुबाहसा में और ऐसी बातचीत होते वक्त इनसे कहा जाएगा कि हल अंतुम मुत्तलिऊन, क्या तुम जानना चाहते हो कि वो बंदा कहाँ है? फिर उसको वो बंदा दिखा दिया जाएगा कि ये बंदा है जिसकी बातों में आकर तुम ईमान छोड़ सकते थे, लेकिन अल्लाह के फजल ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा ईमान महफूज हो गया। तो मेरे भाइयों, एक सिलसिला चला है ईमान वालों को ईमान से हटाने के लिए, ऐसी ऐसी स्कीमें निकाली जाती हैं, ऐसे ऐसे खेल खिलाए जाते हैं और ऐसी बातें बताई जाती जिसकी बुनियाद पर अपना ईमान उससे निकलता जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते के बाद बिल आमाल, ऐसे फितनों के हालात में तुम ईमान को बचाने के लिए नेक आमाल में सबकत करो। जब नेक आमाल तुम्हारी ज़िंदगी में बढ़ते जाएंगे तो ईमानी सलाहियत तुम्हारी पैदा हो जाएगी, ईमानी ताकत तुम्हारे अंदर पैदा होगी, रूहानियत तुम्हारी मजबूत होगी, और उसकी बुनियाद पर तुम पहचान लोगे कि ये फितने हैं और इससे मेरा ईमान जाता रहेगा, मुझे इससे बचना चाहिए। इसलिए नेक आमाल के लिए कहा गया कि जल्द करो, इसमें ताखिर मत करो और आगे बढ़ते रहो ताकि ईमान तुम्हारा मजबूत होता रहे, रूहानियत तुम्हारी मजबूत रहे और ऐसे फितनों के शिकार बनने से तुम बच जाओ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे अहवाल में, ऐसे फितनों के हालात में रहते हुए भी अगर बेदीनी के रास्ते पर कोई जा रहा है, गैरों के तरीकों पर ज़िंदगी गुजारता जा रहा है और उसे कहा जाए कि ये गलत है तो उसके गलत होने का एहसास भी उसके दिल में नहीं होता है। यहाँ तक हमारी हालत पहुँच चुकी है, इसीलिए वो शायर कहता है कि वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल में से एहसास जिया जाता रहा। कि नाकामी तो हुई हुई लेकिन नाकाम होने का एहसास भी ख़त्म हो चुका है, तो अब क्या बचा हमारे पास? एक बंदा फेल हो जाए, ज़िंदगी भर उसने 10 साल 15 साल उसने मेहनत की, स्कूल की, मदरसे की, हर एतबार से तालीम की मेहनत की या किसी और शोबे में मेहनत की, और मेहनत करने के बाद अगर फेल हो जाता है और फेल होने के बाद उसका एहसास ही ख़त्म हो जाए कि मैं फेल हो चुका हूँ, तो दोबारा कैसे वो आगे बढ़ सकता है? वो अपने लाइन पर कैसे आ सकता है? पिछली ज़िंदगी पर तौबा करके वापस कैसे आ सकता है? वापस तो वो आएगा जिसको एहसास होगा कि मैंने कुछ खोया है, मेरी ज़िंदगी से कुछ चला गया है, मैं किसी चीज़ से महरूम हो गया, ऐसे लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में एहसास ही नहीं रहा, जो फितनों को फितना नहीं समझ रहे, जो आजमाइश को आजमाइश नहीं समझ रहे, जो इम्तिहान को इम्तिहान नहीं समझ रहे, उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं? कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ की हकीकत को परखा जाए, गैरों के तौर तरीके, गैरों के त्यौहार, ये दिवाली आएगी थोड़े दिनों के बाद, आइंदा महीने में, अभी से पटाखे फोड़ने की आवाज़ें आ रही, तो ये हमारे हालात है। यहूद और नसारा के तरीकों को पसंद किया जाए, नबी की सुन्नतों से दूर होना शुरू करते हुए, ये क्या है? अंदर की फीलिंग ये बता रही कि हमें इस्लामी तौर तरीके से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, हमें इंटरेस्ट इससे नहीं है,
हमें इंटरेस्ट यहूद और नसारा के तौर तरीकों से है, दलों के तौर तरीकों से हमें इंटरेस्ट और दिलचस्पी है। ऐसी हालत बनी रही, ऐसी हालत बनी रही, अल्लाह ही जानता है कि हमारी नस्लों का क्या होगा। कोई किसी को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को रोकने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप अपनी आंखों से अपनी नजरों से देख रहे कि हमारी औलाद क्या कर रही है। यहाँ से इतने से काम नहीं चलेगा कि वो मानते नहीं है, यह हमारा कहा नहीं माना जाता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, इतने से काम नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर 2 साल के बच्चे के हाथ में तुमने सिगरेट को देख लिया है तो तुम्हारी हालत क्या बनेगी, क्या हालत बन सकती है? अगर माँ बाप अपने 2 साल के बच्चे के हाथ में सिगरेट देख ले, इनके दिल दिमाग पर कितना असर पड़ता है। ये छोटी मिसाल है। अगर शराब की बोतल किसी नौजवान के 10 साल के 8 साल के बच्चे के हाथ में शराब की बोतल देखी जाए तो माँ बाप पर कितना असर पड़ता है। इससे ज्यादा असर जिन औलादों के हाथ में मोबाइल आ चुके हैं उससे ज्यादा असर उनके ऊपर पड़ना चाहिए कि ये तो दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। शराब पी ली है उसका जिस्म खराब हो जाएगा, सिगरेट पी रहा है उसका जिस्म खराब हो जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में मोबाइल आ चुके दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों कुछ आगे बढ़ो, फिक्रे करो कि हम अपनी नस्ल को कैसे बचा सकते हैं, इनकी तरबियत कैसे की जा सकती है। मैं तुम्हें बैठे बैठे किससे कहां से सुनाऊं? मेरे पास है ही नहीं, मैं मुआशरे को जलता हो देख रहा हूं, मुआशरे की तबाही में अपने आंखों से देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल घर के कोने में और घर के तरो दीवार के पास बैठकर छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों को खेल रहे हैं, तरह तरह की गेमें इनको खेलने के लिए दी जा रही है। माँ अपने काम में, बाप अपने काम में, छोटा बच्चा अपना मोबाइल लेकर अपने गेम में मशगूल है, क्या होगा, क्या होगा? फिर तुम ऐसी औलाद के मुतालिक कर शिकवे शिकायत करोगे कि हमारी बातें नहीं मानते, इनके दिलों में माँ बाप का एहतराम नहीं है, ये बड़े होकर हमारे साथ क्या करेंगे? वही करेंगे जो तुम आज कर रहे हो। आज तुमने मोबाइल लेकर इनकी जिंदगी को गुजारा है, कल तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी जिंदगी को गुजारेंगे। इसलिए मेरे भाइयों नबी अलैहिस्सलाम ने हमें फितनों से डराया है, और फितने भी ऐसे आएंगे सतकून फितनुन, और अल्लाह जानते हैं कि फितनुन पर जो दो पेश की तनवीन है अरबी में कभी उसका माना ज्यादा चीज बताने के लिए लिया जाता है। ज्यादा फितने आएंगे सतकून फितनुन, बहुत ज्यादा फितने आएंगे, और एक माना उसका यह आता है अजमत का माना बताने के लिए, कभी तनवीन दो पेश की तनवीन को कभी अजमत का माना बड़ा होने को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब यह होता है सतकून फितनुन, बड़े 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 फितने आएंगे, और ऐसे फितने आएंगे जैसे ये तस्बीह के दानों का जब दौरा टूट जाता है तो एक 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 उसमें से मोती निकलता रहता है, निकलता रहता है, ऐसे एक के बाद फितने आते रहेंगे, और उन फितनों का मुकाबला करके अपने ईमान को बचाना है। तो इसके लिए क्या शक्ल बन सकती है, हम क्या करें? तो हम इनको जैसे हम औलाद की बैंक बैलेंस जमा करने के लिए, इनके अच्छी तालीम के लिए, अच्छे कारोबार के लिए, अच्छे घर गुजारा के लिए हम कोशिश करते रहते, यहाँ तक कि जिंदगी का आखिरी सांस बाकी रहता वहां तक माँ बाप की चाहत होती कि हम बच्चों के लिए कुछ करके जाए। इतनी चाहत अगर दिलदार बनाने की हो जाए तो ये बुढ़ापे में यही औलाद हमारी आंखों की ठंडक बनेगी, और बंदा खुशी के साथ जाएगा कि मैं सदके जारिये का काम करके जा रहा हूं। अगर ऐसी हालत में औलाद को छोड़ के चले गए तो खून के आंसू रोना पड़ेगा बुढ़ापे की हालत में कि जिनके साथ मैंने सदके जारिये जैसा काम करना था नहीं कर सका, आज मेरी बात भी नहीं मान रहे, समझाने वाला भी कोई नहीं, खुद भी नहीं समझ रहे, पता नहीं क्या होगा। इस एहसास के साथ, इस दुख के साथ दुनिया से जाएगा। कोशिश की जाए, समझाओ, मार धाड़ नहीं,
मालधार नहीं, वो कभी कभार इनको कोई बात कोई चीज खाने पीने की अच्छी ला कर दी जाए, इनको अच्छी अच्छी पहना दी जाए, किसी जगह पर इनको कुछ घुमाने फिराने के लिए लिया जाए, कोई ना कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे बच्चा हमसे मानूस होकर, हमसे करीब होकर हमारी बात एक्सेप्ट करने वाला हो जाए, ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए, तो फिर वो औलाद हमारे हाथ में रहेगी और हमारे कब्जे में रहेगी, हमारी बात सुनेगी। कुरान करीम में तो जगह जगह ये कहा गया है, लेकिन जो समझे उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए तो कुरान की आयत का तर्जमा और कुरान करीम की तफसीर बताना इनके सामने तो कोई माना नहीं रखता है, इनको तो समझा बुझा के काम लेना पड़ता है। कुरान करीम की आयत का तर्जमा और तफसीर उनको सुनाई जाए जो 15 साल के, 17 साल के, 20 साल के, जवानी के जहलीस पर पहुंच चुके हैं, इनको ये बात समझाने के काबिल है, इनके सामने ऐसी बात कही जाए तो शायद इनके दिल पर असर हो जाए, लेकिन 6 साल 5 साल के बच्चों के सामने क्या मतलब अगर आयत की तफसीर भी सुना दी जाए। वहां तो माँ बाप मदरसा है, घर का माहौल मदरसा है, और इस माहौल में इनको ढालने की कोशिश की जाए तो फिर वो बच्चे लाइन पर आना शुरू हो जाते हैं। वरना कुरान तो कहता है वाफिज़लहुमा जनाहद्दुल्ले मिनर रहमा, कि इनके सामने अपने माँ बाप के सामने जोर से भी ना बोलो, अपने माँ बाप के सामने अपना मेहरबानी का जिल्लती का पहलू बिछा दिया करो। जनाह अरबी में जो लफ्ज बोला जाता है इसके माना होता है पहलू, बाजू, जैसे परिंदे का बाजू होता है, पहलू होता है, पांख होती है, अगर शिकार उसका शिकार कर देवे और जब वो शिकारी के सामने अगर गिरता है तो अपने पहलू को यूं करके गिर जाता है, यानी पूरी जान उसके हवाले कर देता है कि तेरा शिकार, तेरा तीर मुझे लग चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे ताबे हो चुका। सेम यही हालात, यही बातें और यही सिफात, यही बातें औलाद के अंदर होनी चाहिए कि अपने माँ बाप के सामने अपनी जात को हवाले कर दिया जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो आप कहेंगे वही मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर ऐसी औलाद माँ बाप की फरमा बरदार बनेगी, वहां तक कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन वो बहुत बात का स्टेप आता है, बहुत बात की बात है, शुरू में 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं इनको संभालना जरूरी है, इनकी तरबियत करना जरूरी है। अगर वो मदरसों में रहते हैं तो 2-2.5 घंटे के लिए इनको वक्त दिया जाता है, बाकी 15-20 घंटे 17-18 घंटे वो माँ बाप के पास रहते हैं, वहां अगर निजाम माहौल नहीं है तो मकतब की तालीम का कोई असर नहीं हो सकता है, इसका असर ही नहीं दिखाई देगा। घर आने के बाद अपने बच्चों से पूछो तुमने क्या पढ़ा, तुमको क्या पढ़ाया, जो पढ़ा वो हमको भी सुना दो, चाहे तुमको समझ में आवे ना आवे, चाहे तुमको आता है नहीं आता है, लेकिन बच्चों की जबान से वो सुनो ताकि उनको एहसास रहे कि हमें घर जाके ये सुनाना पड़ेगा, तो वो घर के निजाम में ये बातें तब्दीलियां आ सकती है। खाना खाने के लिए बैठे उस वक्त भी इनको दुआ याद दिला दी जाए कि तुम्हें क्या दुआ सिखाई गई, जब सो रहे तो पूछो तुम्हें क्या सोने की दुआ सिखाई गई है, तो वो पूछ पूछ के पढ़वा पढ़वा करके फिर इनको सुन्नत का आदि बना दिया जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा यूं कहता है कि मुझे सुन्नत तरीके पसंद नहीं है, मिसाल के तौर पर खाना खाने के लिए बैठना, हाथ धोना ये सुन्नत तरीका है, लेकिन अगर कोई बंदा यूं कहता है कि मुझे ऐसी सुन्नतों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये खाना खाने के बाद उंगलियां चाट लेना ये भी सुन्नत तरीका है, अगर कोई यूँ कहे कि मुझे ऐसी सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे अच्छा मालूम नहीं होता है, तो वो बंदा ईमान से निकल जाता है, क्योंकि सुन्नतें सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये बातें लिखी हुई है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अहादीस से साबित किया गया है। जो बात नबी की जिंदगी में हो और एक मोमिन और एक मुसलमान अगर यूँ कहता है कि मुझे अपने नबी का तरीका पसंद नहीं है, उसके ईमान की क्या गारंटी दी जा सकती है। ऐसे तो कई एक बातें हैं, और ऐसी कई बातों को अपने जबान से हम निकालने के बाद इसका एहसास तक नहीं रखते कि हमें क्या हो रहा है, हमारी जबान से हमारी बातों से क्या असर पड़ सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, फितनों के हालात है, हर तरह के फितने आ रहे हैं, इंसानियत का फितना है, औलाद का फितना है। कुरान कहता है इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए फितना है।
इतने का मतलब ये होता है कि आजमाइश का जरिया है, इम्तिहान का जरिया है। तुम्हें अल्लाह ने माल दिया है, तुम्हें अल्लाह ताला ने दौलत दी है, इस माल और दौलत के जरिए से तुमको परखा जाएगा। तुमको औलाद दी है जिसको तुम बेटा कहते हो, जिसको तुम बेटी कहते हो, ये बेटा और ये बेटी तुम्हारी नजर में बेटा बेटी है, लेकिन खुदा की तरफ से तो ये इम्तिहान का पर्चा है। जो माल और दौलत अल्लाह ने तुमको दिया है, जिसको तुम जमा करके रखते हो, जिसकी बुनियाद पर तुम खुश हो जाते हो, ये तुम्हारी नजरों के सामने माल दौलत है, वरना ये इम्तिहान का पर्चा है। ये कुरान के रूह से मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए आजमाइश का जरिया है। तुम इसके बारे में पूछे जाओगे कि तुमने इन चीजों की वजह से तुमने क्या गुण खिलाया, कैसी जिंदगी गुजारी है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत पर फख्र करना, मोहताज हो जाने का खौफ नहीं है, जितना कि उनके ऊपर दुनिया खोल दिए जाने का खतरा है। बहुत खतरा महसूस किया जब मैंने हदीस पढ़ी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिकुल उम्मति फितना व फितनतु उम्मति अलमाल, कि हर उम्मत के लिए एक फितना होता है, एक आजमाइश होती है, किसी चीज को बुनियाद बनाकर इसको परखा जाता है। वो चीज मेरे उम्मत के अंदर माल है, जिसके पास माल और दौलत है, अपनी जरूरत से ज्यादा कमा रहा है, समझो कि ये उसके लिए आजमाइश का जरिया है। अगर वो उस माल के जरिए से अल्लाह के हक को अदा करता है, बंदों के हक को अदा करता है, जायज तरीकों पर उसका इस्तेमाल करता है और जायज तरीके से वो माल कमा रहा है, तो वो माल उसके लिए नेमत बनेगा और ऐसी मालदारी की वजह से उस बंदे पर कोई असर नहीं पड़ता। सुनन इब्ने माजा की रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला बास बिल गिना लिमन इत्तका, मुत्तकी और परहेजगार बंदे के लिए मालदारी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकती। मालदार हो जाना उसके लिए कोई नुकसान दे नहीं है, जिसके दिल में खुदा का खौफ है। खुदा का खौफ है तो वो हलाल तरीके से कमाएगा, बंदों के हक अदा करेगा, अल्लाह के हक अदा करेगा और सही जगह पर खर्च करेगा। और अगर ये चीजें नहीं है, नाजायज हराम तरीके से कमा रहा है और लोगों के हक मार रहा है, अदा नहीं कर रहा है और हराम काम में अपने पैसों को लुटा रहा है, तो ये औलाद, ये माल उसके लिए फितने का जरिया बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, असल तो मैंने इसी को टॉपिक बनाने को चाहा था कि माल और दौलत के ताल्लुक से जो बातें हैं कि बाद जगहों पर इसको नियामत कहा गया, बाद हदीसों में उसको फितना भी कहा गया है, तो किस बुनियाद पर इसको हम फितना समझें और किस बुनियाद पर हम इसको नियामत समझें, उसका खुलासा मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्योंकि यहाँ बैठने के बाद फिर अल्लाह की तरफ से बातें निकलती है, कभी एक खास बात रह जाती है तो रह जाती है। तो वो जो मेरी पूरे बयान की तैयारी का जो खुलासा मुझे समझ में आया, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप इसको पढ़ो, इसको याद रखो और अपनी माल दौलत को फितना बनने से बचाओ, उसको नियामत बनाने की कोशिश करो कि किस सूरत में हम इसको नियामत बना के रख सकते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वादिरू बिल आमाल, सही बुखारी की रिवायत है कि नेक आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, और अनकरीब ऐसे फितने आएंगे कि बंदा सुबह में अगर ईमान वाला है तो शाम तक उसका ईमान निकल जाएगा, शाम को ईमान है तो सुबह तक उसका ईमान निकल जाएगा। इस पर काफी तफसीलात उलमा ने लिखी है, लेकिन इतने को मैं काफी समझता हूँ। मैंने दो बातें बस मैं खुलासा कर रहा, दो बातें मैंने आपके सामने रखी, औलाद और माल दोनों फितना है। ये दोनों किस सूरत में फितना होंगे मैंने आपको बता दिया। औलाद फितना उस वक्त है जब वो गैरों के तरीके पर अगर जिंदगी गुजार रही है तो समझो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अगर तुम्हारी औलाद सही रास्ते पर शरीयत सुन्नत के मुताबिक इतनी नियामत है, ऐसे ही माल का भी मसला है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कहाँ सुना हुआ मेरे आप हजरात के लिए अमल का, हिदायत का, नजात का जरिया बनाए। वाफिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनकी सुन्नतें पढ़ ले रहे हैं।